जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, कम्यूटेटर ब्रैकेट्स ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, कम्यूटेटर ब्रैकेट पढ़ेंगे किसके, ऑपरेटर्स के। ऑपरेटर मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया। ठीक, तो ये देखिए क्या कहते हैं कम्यूटेटर ब्रैकेट्स ऑफ ऑपरेटर्स। मान लीजिए दो हमारे कोई ऑपरेटर्स हैं, ठीक, ए कैप और बी कैप, इसी को हम कहते हैं कम्यूटेटर ब्रैकेट। और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप। ठीक, ये हमारा सबसे बेसिक कम्यूटेटर ब्रैकेट होता है जिसमें दो ऑपरेटर होते हैं और जिनकी वैल्यू ये होती है। ठीक है, ये हमारा कम्यूटेटर ब्रैकेट। ठीक, और हाँ, इसके बाद देखिए, अगर मान लीजिए, अगर ये कह दिया जाए कि हमारे जो ये दोनों, ये दो ऑपरेटर हैं हमारे, आपस में कम्यूट कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो कम्यूटेटर ब्रैकेट है उसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। ठीक, मतलब कि अगर इफ ए कैप एंड बी कैप कम्यूट्स विद ईच अदर, देन क्या होगा भैया, इसकी वैल्यू जो आएगी, इस कम्यूटेटर ब्रैकेट की वैल्यू जो आएगी वो आएगी जीरो। अगर जीरो आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो, मतलब कि ए कैप बी कैप इक्वल्स टू बी कैप ए कैप हो जाएगा। ठीक, और अगर मैं एक वेब फंक्शन यहाँ असाइन कर दूँ ऑपरेट करने के लिए, तो ये वैल्यू कुछ ऐसी बन जाएगी। कोई समस्या तो नहीं है इसमें। ठीक है, तो अगर दो ऑपरेटर कम्यूट कर रहे हैं, ठीक, तो हम ये जान सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि अगर दो ऑपरेटर कम्यूट कर रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट सिग्निफिकेंट नहीं होगा बहुत ज़्यादा। मतलब कि हम पहले बी का मेजरमेंट इस पे करेंगे, फिर ए का करेंगे, और ए का पहले इस पे करेंगे, फिर बी का करेंगे, तो दोनों वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। मतलब ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्ट, सिग्निफिकेंट इफेक्ट कोई नहीं डाल पाएगी, कोई भी इफेक्ट इस पर नहीं आएगा। ठीक, समझ पा रहे हैं। और देखिए, कम्यूट अगर कर गया तो एकाद दो प्रॉपर्टीज और निकल के आती हैं। ठीक है, अगर हमारे दो ऑपरेटर कम्यूट कर गए तो दो तीन प्रॉपर्टीज और निकल के आती हैं, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, देखिएगा, आगे ध्यान दीजिएगा। देखिए, मान लीजिए कि ए कैप और बी कैप क्या कर रहा है, कम्यूट कर रहा है, मतलब इसकी वैल्यू अगर जीरो आ गई, ठीक, तो हमने ये जान लिया कि ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट कुछ भी करिए आप, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट सिग्निफिकेंट नहीं होगा। दूसरा जो पॉइंट आएगा वो ये आएगा कि अगर दो ऑपरेटर कम्यूट कर रहे हैं तो दोनों ऑपरेटर्स को एक साथ 100% एक्यूरेसी के साथ हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकल ऑब्जर्वेबल होगा इसके करस्पॉन्डिंग, ए कैप के करस्पॉन्डिंग और बी कैप के करस्पॉन्डिंग, तो वो फिजिकल ऑब्जर्वेबल, दोनों के करस्पॉन्डिंग जो फिजिकल ऑब्जर्वेबल होंगे वो एक ही समय में कैलकुलेट किए जा सकते हैं 100% एक्यूरेसी के साथ। मतलब कि अगर ऐसा हो गया तो हमारी डेल्टा ए और डेल्टा बी दोनों की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, और इन दोनों का अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, मतलब कि ये दोनों साथ साथ 100% एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट किए जा सकते हैं। ठीक, दूसरा हमारा क्या होगा, दूसरा अगर ये कम्यूट कर रहे हैं तो इनकी जो आइगन स्टेट होगी वो क्या होगी, वो सेम होगी। आइगन स्टेट सेम होने का क्या मतलब है, देखिए, आइगन स्टेट सेम होने का मतलब ये है कि अगर मैं ए कैप को साई के ऊपर ऑपरेट कराऊं तो ये वैल्यू दे देगा लैम्डा ए इंटू साई, और बी कैप को अगर ऑपरेट कराऊं तो ये देगा लैम्डा बी इंटू साई। मतलब कि ये जो है, ये ऑपरेटर्स, इन ऑपरेटर्स के करस्पॉन्डिंग जो फिजिकल ऑब्जर्वेबल है वो इस वेब फंक्शन में 100% एक्यूरेसी के साथ डिफाइन होगा, या 100% एक्यूरेसी के साथ दिया जाएगा। इससे भी आप जान सकते हैं, इससे भी जान सकते हैं। ठीक, और हम देख क्या रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इनकी जो आइगन स्टेट है वो क्या है, वो सेम है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट निकल के आते हैं अगर हमारे दो ऑपरेटर्स क्या हो रहे हैं, आपस में कम्यूट कर रहे हैं। कम्यूट करने का मतलब ये होता है कि उनका कम्यूटेटर ब्रैकेट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक, अब देखिए,
अब मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ निकालने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा आगे हम क्या करते हैं, हम एक पॉइंट लिख लेते हैं, एक पॉइंट ये लिख देते हैं। अभी मैंने कम्यूटेटर के अकॉर्डिंग एक पॉइंट लिखा, देखिए मान लीजिए मैंने ये लिखा कि ए कैप और बी कैप कम्यूटेटर ब्रैकेट क्या हो रहा है, जीरो। तो मैंने ये लिख दिया सीधा कि डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी क्या होगी, जीरो होगी, ये लिख दिया, ठीक है, क्योंकि डेल्टा ए भी जीरो था, डेल्टा बी भी जीरो था, हमने लिख दिया कि डेल ए डेल बी जीरो होगी, मतलब अनसर्टेनिटी इन ए अनसर्टेनिटी इन बी दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा, ठीक। अगर मान लीजिए कि ये कुछ फाइनाइट वैल्यू आती है तब हम कैसे अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट लिखेंगे, ठीक। हमने पोजीशन के पोजीशन और मोमेंटम का अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट देखा था, एनर्जी और टाइम का अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट देखा था, एंगुलर पोजीशन एंगुलर मोमेंटम का अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट देखा था ना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक जनरल फार्मूला बना लेते हैं अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट के बारे में। अनसर्टेनिटी जो प्रोडक्ट होगा हमारा वो ऐसे दिया जाएगा, डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ कम्यूटेटर ब्रैकेट किसका, ए और बी का। अगर हमारे कम्यूटेटर ब्रैकेट की वैल्यू दी गई है और उसका आधा कर दीजिए आप, तो हमें क्या मिल जाएगा, इसकी वैल्यू मिल जाएगी, इस अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो एक जनरलाइज फॉर्म है, अगर मान लीजिए किसी भी ऑपरेटर का, मान लीजिए उसने एक जनरल केस ए बी करके दे दिया और उसका कम्यूटेटर ब्रैकेट दे दिया, तो आपसे अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट अगर पूछे तो आप सीधा ये लगा दीजिए, समझ पा रहे हैं, ठीक। आइए देखते हैं, और हाँ यहाँ एक एवरेज का साइन भी होता है। क्यों ऐसा एवरेज का साइन होता है, क्योंकि मान लीजिए कोई वेव फंक्शन आप अगर ये अगर कम्यूटेटर ब्रैकेट कैलकुलेट कर रहे हैं और कोई वेव फंक्शन आप असाइन करेंगे कम्यूटेटर ब्रैकेट कैलकुलेट करने के लिए, कम्यूटेटर ब्रैकेट अगर कैलकुलेट कर रहे हैं और कोई भी वेव फंक्शन असाइन कर रहे हैं तो उसकी एवरेज वैल्यू हमेशा ली जाएगी, ठीक। और अगर दे दिया उसने कम्यूटेटर ब्रैकेट की वैल्यू, तो हम यहाँ सीधा उसको पुट कर देंगे और क्या ले लेंगे भैया, रिजल्ट ले लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा कम्यूटेटर ब्रैकेट के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक। अब क्या करेंगे हम, अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कम्यूटेटर ब्रैकेट्स की प्रॉपर्टी। जैसे कम्यूटेटर ब्रैकेट मैंने एक बताया आपको, ठीक है, जो कि क्या था, जो एक बेसिक था, दो ही ऑपरेटर उसमें थे। अब हम क्या करेंगे, दो तीन ऑपरेटर्स का कम्यूटेटर ब्रैकेट कुछ देखेंगे, ठीक, जिस जो कि यार मुझे भी याद वाद है नहीं, ठीक है, तो मैं पर्ची ले आया उससे लिख देता हूँ, आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब मेरा एग्जाम था तब मुझे याद था, अब नहीं याद है। तो देखिए पहला जो हमारा कम्यूटेटर ब्रैकेट था वो तो यही था, ए कैप और कॉमा बी कैप, जिसकी वैल्यू आपने लिखी थी। अब देखिए प्रॉपर्टी में बता रहा हूँ किसकी प्रॉपर्टीज, यहाँ लिख देती लिख दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेटर ब्रैकेट्स ऑफ ऑपरेटर्स, ठीक है। प्रॉपर्टी देखिए, पहली प्रॉपर्टी है ए कैप कॉमा बी कैप को, अगर ऐसा कुछ कम्यूटेटर ब्रैकेट है ये इक्वल होगा माइनस बी कैप कॉमा ए कैप के, ठीक। दूसरा कम्यूटेटर ब्रैकेट दूसरा देखिएगा, दूसरा ये है कि अगर कोई हम कांस्टेंट ए कैप में गुणा कर दें और दूसरा हम बी कैप में गुणा कर दें, तो इन दोनों का गुणा करके बाहर ले आइए, मतलब कि एम इंटू एन ए कैप कॉमा बी कैप, ठीक है। तीसरा जो हमारा है वो है ए कैप कॉमा बी कैप इंटू सी कैप, अगर ये तीनों ऑपरेटर्स ऐसे ही इस फॉर्म में दिए हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ए कैप कॉमा बी कैप का कम्यूटेटर इंटू सी कैप प्लस बी कैप और ए कैप इंटू सी कैप का कम्यूटेटर, ठीक, समझ पा रहे हैं। तीसरा चौथा जो हमारा होगा, चौथा है अगर ये ऑर्डर अगर चेंज हो जाए, मतलब कि ए कैप बी कैप यहाँ आ जाए कॉमा सी कैप यहाँ आ जाए, अब अगर इस प्रकार का कम्यूटेटर ब्रैकेट है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है भैया ए कैप कॉमा सी कैप इंटू बी कैप प्लस ए कैप बी कैप कॉमा सी कैप, ठीक, समझ पा रहे हैं। पांचवा पॉइंट देखिएगा, पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बहुत खतरनाक प्रॉपर्टी है, ठीक। अगर हमारा कोई ऑपरेटर है ए कैप और दूसरा उसी ऑपरेटर का एक फंक्शन है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, साइन कॉस फंक्शन का मतलब आप जान ही रहे, कोई भी फंक्शन
एक्सपोनेंशियल फंक्शन चाहे जो फंक्शन हो, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी जीरो। ठीक, इसके अकॉर्डिंग मैं एक इसके करस्पॉन्डिंग एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। देखिए, मान लीजिए कोई एक्स कैप है और एक पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर है। पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर आप जान ही रहे हैं, ठीक है, तो ये एक्स कैप, ठीक, एक ऑपरेटर हो गया, और पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर फंक्शन है किसका, पोजिशन ऑपरेटर का, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, जीरो आएगी। समझ पा रहे हैं? देखिए, पांचवा ये हो गया, चार्टों क्या है, चार्टों ये है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये चार्टों इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखिए ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, फंक्शन ऑफ ए कैप, कोई भी फंक्शन हो ए कैप का, ठीक है, और कोई भी फंक्शन हो किसी भी ऑपरेटर का, ठीक, ये इक्वल टू जीरो होगा, इसके लिए एक कंडीशन है, इफ ए कैप और बी कैप क्या कर जाए, कम्यूट कर जाए, कम्यूट कर जाए मतलब इनकी वैल्यू जो है वो जीरो आ जाए, अगर तो इसकी वैल्यू आ जाएगी जीरो। ठीक, समझ पा रहे हैं? और इसका एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, इसका एग्जांपल देखिए, जो हमारे वाई कोऑर्डिनेट की पोजीशन ऑपरेटर होता है और जेड कोऑर्डिनेट का मोमेंटम ऑपरेटर होता है, ये क्या होते हैं, ये कम्यूट करते हैं आपस में, ठीक है, अगर ये कम्यूट करते हैं मतलब कि इनके इनका एक कोई फंक्शन और इसका भी कोई फंक्शन, अगर हम उसका कम्यूटेटर ब्रैकेट निकालेंगे तो हमेशा वो वैल्यू क्या देगा, जीरो देगा। जैसे कि हम क्या लिख सकते हैं कि मान लीजिए ये है e की पावर y कैप प्लस, मान लीजिए प्लस ना लगा के लिख देता हूँ साइन pz कैप, ये मान लीजिए ये कम्यूटेटर ब्रैकेट आपको कैलकुलेट करने कह दिया, तो आप सीधा देखिए y कैप और pz कैप क्या कर रहे हैं, आपस में कम्यूट कर रहे हैं, मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी जीरो। ठीक, समझ गए, ये हो गया छठा पॉइंट, छठी प्रॉपर्टी ये हो गई। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। जब मेरा एग्जाम था तो मैंने भैया याद किया था, अब आपका एग्जाम है भाई, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, मैं तो लिखवा ही दे रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा, ये जो पाँचवीं और छठवीं प्रॉपर्टी है इस पे बेस्ड कई क्वेश्चंस पिछले कई सालों में आ चुके हैं, तो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को हमेशा दिमाग में रखिएगा। देखिए, सातवीं प्रॉपर्टी क्या है, सातवीं प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारा कोई ऑपरेटर ए कैप है और दूसरा ऑपरेटर बी कैप और इसकी पावर एन है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एन बी कैप एन माइनस वन ए कैप कॉमा बी कैप। ठीक, और छठवां आठवां क्या है, आठवां ये है कि मान लीजिए एन इस पे लगा और बी ऑपरेटर यहाँ, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा कुछ, ठीक है, ए कैप कॉमा बी कैप, ठीक, ऐसा कुछ लिख सकते हैं इसको, और ये दोनों प्रॉपर्टीज कुछ स्पेसिफाइड कंडीशन के तहत लागू होती हैं, ठीक है, दे वर्क अंडर ए स्पेसिफाइड कंडीशन, और कंडीशन क्या है इनके वर्क करने की, कंडीशन देख लीजिए, कंडीशन टू वर्क दीज प्रॉपर्टीज, कंडीशंस, पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों ऑपरेटर्स में से एक ऑपरेटर की पावर क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। power of the operator must be one, एक operator की power हमेशा one होनी चाहिए, जैसे यहाँ A की है, यहाँ B की है। दूसरी condition क्या होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन होनी चाहिए कि n जो है क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीग्रल होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीग्रल होना चाहिए जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए। ठीक, 2 क्यों होगा, क्योंकि 1 के लिए तो हम पढ़ ही चुके हैं, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा तभी ये फॉलो होगा। ठीक, तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, तीसरी जो कंडीशन होगी, तीसरी कंडीशन ये होगी कि जो हमारा ए कैप और बी कैप का जो कम्यूटेटर ब्रैकेट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, एक स्केलर कांस्टेंट आना चाहिए, स्केलर कांस्टेंट, वो इमेजिनरी हो या रियल हो दोनों चलेगा। ठीक, तो अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं तब हम ये दोनों
प्रॉपर्टीज कम्यूटेटर ब्रैकेट की यूज कर सकते हैं, ठीक। और हाँ देखिए, मैं बता रहा हूँ कि बीएससी लेवल के जितने भी कंपटीशन होते हैं उनमें ये दोनों प्रॉपर्टीज यूज हो जाती हैं, ठीक है। और कब यूज होंगी, जब आपके पास, हमेशा यूज कर दीजिएगा आप बीएससी लेवल पे, तो हमेशा यूज करिएगा। देखिए ये लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम के लिए और लीनियर पोजिशन के लिए, लीनियर पोजिशन के लिए हमेशा अप्लीकेबल होंगी हमेशा, ठीक है। अगर लीनियर मोमेंटम और लीनियर पोजीशन आपको ऐसे दिख रहा है तो आप तुरंत लगा दीजिए, ठीक। और बीएससी लेवल के जितने क्वेश्चन आते हैं वहाँ ये दोनों प्रॉपर्टी हमेशा वर्क करती हैं, कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जो एमएससी लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें थोड़ा समस्या होती है कभी कभी, तो उसमें आपको ये कंडीशंस चेक करनी पड़ती हैं फिर ये लगाना पड़ेगा। लेकिन बीएससी लेवल पे जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि हमारा जस्ट टीआईएफआर जो ये सब है, ठीक है, एटीजेम वगैरह, उसमें अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ये जो प्रॉपर्टी है ये लग जाती है तुरंत ही, ठीक। तो हमारी हो गई है सातवीं प्रॉपर्टी। आठवीं प्रॉपर्टी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आठवीं प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमारा कोई ऑपरेटर ऐसा है, ये भी तो एक ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है, और यहाँ कोई हमारा फंक्शन ऑफ ऑपरेटर, ठीक है, तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं ऐसा कुछ, ऐसा लिख सकते हैं, सॉरी ये ऐसा, ठीक। अगर ऐसा कुछ है हमारे पास तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और देखिए इसको कैलकुलेट करने का, अब देखिए इसके अकॉर्डिंग एक, इसके रिगार्डिंग एक मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ। देखिए एग्जांपल के तौर पे हम ऐसा ले सकते हैं कि मान लीजिए हमारा एक मोमेंटम ऑपरेटर है और पोजिशन ऑपरेटर है, ठीक है। पोजिशन ऑपरेटर मोमेंटम ऑपरेटर का हमें कम्यूटेटर ब्रैकेट निकालना है। अब भाई देखिए समय तो लगेगा, अगर आप समय लगाना चाह रहे हैं तो तब तो ठीक है, लेकिन अगर समय नहीं लगाना चाह रहे हैं तो आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए देखिए, ये हमारा मोमेंटम ऑपरेटर और हमारा पोजीशन ऑपरेटर। अब मैं मोमेंटम ऑपरेटर को अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखता हूं भैया, जल्दी बताइएगा। माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स, यही तो लिखता हूं ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर ये हो गया, और हमारा पोजीशन ऑपरेटर क्या हो गया, एक्स कैप हो गया कि नहीं हो गया। अगर ऐसा हो गया तो हम फिर से क्या करेंगे, देखिए यहाँ मैं कांस्टेंट मान सकता हूँ वन, और यहाँ कांस्टेंट ये, तो मतलब ये बाहर आ जाएगा। प्रॉपर्टी यूज करिए m into n वाली, तो प्रॉपर्टी आ गई भैया माइनस आयोटा एच कट बाहर आ गया, और हमारे पास बचा क्या, डेल अपॉन डेल एक्स कॉमा एक्स का एप, ये बचा ना, ये बच गया। अगर ये बच गया तो अब ये वाली प्रॉपर्टी अगर मैं यूज कर दूं तो यहाँ से अभी ऊपर वाली प्रॉपर्टी यूज करिए। अब देखिए अब क्या आएगा, देखिए अब मैं अगर कैलकुलेट करना चाहूँ और ये प्रॉपर्टी यूज करूँ तो देखिए सिर्फ ये वाला कांस्टेंट बाहर आएगा, मतलब कि माइनस आयोटा एच कट, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वन, क्योंकि डिफरेंशिएट करेंगे आप एक्स के रिस्पेक्ट में डेल अपॉन डेल एक्स, तो क्या होगा, वन आएगा, ठीक। तो ये अगर हमारा इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये हमारी आई वैल्यू, ठीक है। और हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट था किसका, मोमेंटम और पोजीशन का, वो भी क्या आ रहा था, वो भी इसी प्रकार आ रहा था ना, कुछ ऐसा आ रहा था ना, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच कट। देखिए पूरी प्रॉपर्टी उसी से मैच कर रही जो हमने एक जनरलाइज फार्मूला पढ़ा था कि एक कम्यूटेटर ब्रेकेट, अगर कोई कम्यूटेटर ब्रेकेट हमें दिया है और क्या दिया है, क्या पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है अगर मान लीजिए अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट बताइए ऑपरेटर्स का, तो हम क्या करते थे, वन अपॉन टू और जो कम्यूटेटर ब्रैकेट की वैल्यू है। तो इसमें भी देखिए डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स क्या आ रहा है, एच कट आ रहा है, या कभी कभी एच कट बाई टू भी तो हम लिखते हैं, किसके लिए, गॉसियन वेव फंक्शन के लिए लिखते हैं कि नहीं लिखते भैया जी, ये बताइए, लिख देते हैं ना, तो देखिए एच कट बाई टू आया कि नहीं आया, ठीक। वो वाली प्रॉपर्टी इसमें भी यूज होती है, मतलब कि वो एक जनरल फार्मूला है, आपको कभी भी कम्यूटेटर ब्रैकेट दे और क्या पूछे आपसे, अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट पूछे, आप वो वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक। तो ये थी आठ प्रॉपर्टीज किसकी, कम्यूटेटर ब्रैकेट की आठ प्रॉपर्टीज थी, इनको आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आप इनको ध्यान में रखते हैं तो आप ये जान लीजिए कि टीआईएफआर और जस्ट में अगर मान लीजिए इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि टीआईएफआर और जस्ट से ही इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। आईटी जैम में इससे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आईटी जैम में ये टॉपिक नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इतनी सिर्फ चर्चा थी किसकी, कम्यूटेटर ब्रैकेट की। कम्यूटेटर ब्रैकेट मैंने इसीलिए पढ़ाया क्योंकि जे और टी आई एफ आर में पूछा जाता है। तो यहाँ तक तो ठीक है। पिछले लेक्चर्स में
पिछले जो लेक्चर आया था कौन सा आया था, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने वाला, जिसमें हमने क्या किया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इन ए फाइनाइट एक्सटेंट x1 और x2 के बीच में हमने प्रोबेबिलिटी निकाली थी, उसका फार्मूला हमने देखा था। ठीक, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैंने अपना पिछला लेक्चर यार देखा तो उसमें मैंने देखा कि मैं एक चीज़ भूल गया था। कौन सी चीज़? मैंने आपको 1D में बताया, अगर मान लीजिए 3D में दे दिया, ठीक, तो आप क्या करेंगे? तो 3D वाले के लिए फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल फ्रॉम R1 टू R2। अगर वो 3D में देगा तो R पे ही डिपेंडेंसी देगा, वो किसी और पे डिपेंडेंसी नहीं देगा, ठीक, थीटा और पाई पे, क्योंकि यार वो और हायर लेवल पे चला जाता है, MSc लेवल पे। ठीक, तो अगर मान लीजिए कोई वेव फंक्शन आपको दिया, कौन सा वेव फंक्शन दिया, R का कोई वेव फंक्शन मान लीजिए दे दिया, ठीक है, जो कि डिफाइन कह दिया कि RA2 RBA क्या है, डिफाइंड है, पहला हुआ है RA2 RB। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है R1 टू R2, तो हम क्या करेंगे, हम वही वाला फार्मूला फिर से लगाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस होगा, ये 3D में है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम इंटीग्रल। तो यहाँ क्या होगा, R1 टू R2, ये होगी थीटा की लिमिट, ये होगी फाई की लिमिट, वही वाला फिर फॉर्म ψ*ψR और यहाँ होगा dV। ठीक, dV की वैल्यू क्या हम लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे वॉल्यूम एलिमेंट हम किसका लेंगे, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का क्यों लेंगे, क्योंकि हम जब 3D में जाते हैं तो हम ये, जब हम 3D में जाते हैं तो प्राय हम यही देखते हैं कि कोई भी चीज़ अगर बढ़ रही है तो वो स्फीयर के फॉर्म में ही बढ़ रही है। ठीक है, तो हम वॉल्यूम एलिमेंट यहाँ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का उपयोग करेंगे। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का वॉल्यूम एलिमेंट होता है भैया R² sin θ dr d θ d φ। ठीक है, ये होता हमारा वॉल्यूम एलिमेंट। ठीक, ये हो गया अपान, अपान में क्या था, RA2 RB था, और वही फाई और थीटा की लिमिट, फिर यही ψ r dV। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला किसके लिए हो गया, ये हमारा फार्मूला हो गया कि अगर हमारा कोई फंक्शन 3D में दिया गया, मतलब कि R पे डिपेंडेंसी दी गई, R मतलब आप जान ही रहे हैं कि इसमें तीनों वेक्टर आ जाते हैं, xi कैप plus yj कैप plus zk कैप, ये तीनों वेक्टर्स R में आते हैं, ये तो आप जान रहे हैं ना। तो अगर आपका वेव फंक्शन 3D में दिया गया है और R की डिपेंडेंसी दी गई है, तब हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे। और इसके लिए आप पूछ रहे होंगे यार थीटा और फाई की लिमिट क्या रखेंगे, अगर आपको लिमिट दी गई है तब तो ठीक है, नहीं दी गई तो आप ये यूज करिएगा हमेशा, थीटा जो है 0 से π तक होगा और फाई हमारा वो 0 से π तक होगा। ठीक, समझ पा रहे हैं, इतना समझ गए। तो ये थी हमारी प्रोबेबिलिटी अगर हमारा वेव फंक्शन 3D में दिया गया है, ये मैं भूल गया था पिछले क्लास में, आज आपको करा रहा हूँ। देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे बताना है आपको। कौन सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना है आपको, बताना है भैया इम्पॉर्टेंट पॉइंट उससे रिलेटेड, किससे रिलेटेड, जो हमने एक्सपेंशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट किया था उससे रिलेटेड आपको बताया था, बताना है आपको। देखिए, एक्सपेंशन कोएफिशिएंट मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखा दिया था, अगर आपने एक्सपेंशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना सीख लिया तो आप ये भी जान गए होंगे कि अगर मुझे एक्सपेंशन कोएफिशिएंट मिल गया तो मैं प्रोबेबिलिटी भी बता सकता हूँ किसी भी स्टेट में। ठीक, तो हमें फार्मूला मिला था कि अगर मान लीजिए मुझे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है फाई एन स्टेट में, तो हमने पहले एक्सपेंशन कोएफिशिएंट निकाला, फिर उसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो हमें प्रोबेबिलिटी मिल गई, जिसका फार्मूला हमने कैलकुलेट किया था तो क्या आया था, -∞ to +∞ φn*x को मैं मान लेता हूँ 1D में है dx। ठीक है, यही हमें फार्मूला मिला था। और क्या करेंगे अब, इसका हम अगर स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इन स्टेट φn। ठीक, φn स्टेट में हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, और इसको अगर हम डायरेक्ट नोटेशन में लिखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, ये डायरेक्ट नोटेशन में हो गया, मतलब इन दोनों का इनर प्रोडक्ट आप ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहले हमने जब मेजरमेंट नहीं किया था तो आपसे मैंने क्या बताया कि पार्टिकल जब तक मेजर नहीं किया जाएगा, तब तक उस पर मेजरमेंट कोई नहीं किया जाएगा, तब तक उसकी जो स्टेट होगी वो कौन सी स्टेट होगी, सुपरपोजिशन स्टेट होगी। ठीक, तो बिफोर मेजरमेंट हमारी ये वाली स्टेट में, ये वाली स्टेट थी, मतलब ज़ाई एक्स वाली, यही तो स्टेट थी। तो अगर मैं ऐसा लिखूं कि ज़ाई क्या है, हमारा बिफोर मेजरमेंट स्टेट है, तो क्या कोई गलत बात है, नहीं भाई, कोई गलत बात नहीं, बिफोर मेजरमेंट स्टेट आप लिख सकते हैं, बिफोर मेजरमेंट स्टेट है। ठीक है, इसको मैं क्या मान सकता हूँ, इनिशियल स्टेट भी मान सकता हूँ। इसको हम क्या कर रहे हैं भाई, जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या हो गया, हमारा इनिशियल स्टेट इसको मान लिया। ठीक, हमने जब मेजरमेंट किया तो हमारा पार्टिकल किसमें, किसमें हमने मेजर किया, हमने पार्टिकल को मेजर किया फाई एन स्टेट में।
ठीक, तो हमारी जो फाइनल स्टेट आई वो कौन सी आई, फाई एन वाली, क्योंकि हमने क्या भाई, हमें क्या कैलकुलेट करना था कि पार्टिकल बताओ फाई एन स्टेट में क्या है, तो हमने क्या किया, फाइन फाई एन स्टेट को फाइनल स्टेट मान लिया, ठीक। तो यहाँ पे जो फाई एन है वो क्या है, वो है आफ्टर मेजरमेंट स्टेट। आफ्टर मेजरमेंट हमारा एक ही बार हमने मेजर किया फाई एन स्टेट में, तो हमारा इनिशियल स्टेट थी साई, और हमने जब मेजरमेंट कर लिया तो हमारा पार्टिकल किस में चला गया, साई में चला गया, ठीक, साई स्टेट आ गई, और इसको हम लिख सकते हैं कि हमारी फाइनल स्टेट है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो हम अब हम इनको अगर जनरलाइज करें तो हम ये लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी इनिशियल टू फाइनल क्या होगी, क्या होगी भैया, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक। इनिशियल स्टेट को अगर मैं ये माने तो फाइनल स्टेट इनटू इनिशियल स्टेट, ठीक है, इनटू डी एक्स, एक्स का फंक्शन, एक्स का फंक्शन मान लीजिए है, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, तो हम इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब कि अगर इनिशियल स्टेट हमारी दी गई है और फाइनल स्टेट हमसे, फाइनल स्टेट अगर हमें दी गई है तो हमें प्रोबेबिलिटी अगर इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट निकालनी है तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। और आइए अगर हम इसको डिराक नोटेशन में लिखें तो क्या लिखेंगे, जल्दी बताइएगा, यहाँ स्क्वायर लगाना भूल गया था, आप भी भूल रहे थे, देखिए ध्यान दीजिए ये सब चीज़ें। देखिए अगर मैं क्या करता हूँ, इसको डिराक नोटेशन में लिखता हूँ तो ऐसा कुछ लिखूंगा, साई एफ जाई आई होल स्क्वायर, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, डिराक नोटेशन में हो गया। ये हमारा अगर वेव फंक्शन स्केलर फॉर्म में दिया तो ये श्रोडिंगर नोटेशन के फॉर्म में है, ठीक है भैया। तो ये इतनी बातें हैं जो मैंने पिछली जो लेक्चर्स हुए उसमें नहीं कर पाया था, तो आज मैं इसको बता रहा हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा। ये दो पॉइंट जो मैंने इससे पहले भी बताया, 3D में अगर वेव फंक्शन दिया, और ये इतना आप ध्यान दीजिए, क्योंकि इन पे क्वेश्चन कभी कभी, मान लीजिए जो मैंने 3D में बताया उसका क्वेश्चन शायद TIFR में आ भी चुका है, ठीक। अगर नहीं आया तो आने की पूरी संभावना है TIFR और जेस्ट में, ठीक। तो आप इतना करिए, आज का लेक्चर मैं इसी पे ख़त्म करूँगा। क्यों ख़त्म करूँगा, क्योंकि एक दिन में सिर्फ आप एक दो टॉपिक ही पढ़ पाएंगे अगर क्वांटम मैकेनिक्स आप सही से पढ़ रहे हैं। कोई भी किताब लगाइए, ग्रीफिथ लगाइए, HC वर्मा लगाइए, और ऑथराइजर लगाइए, चाहे जो लगाइए, तीनों बुक्स में आपको यहाँ तक के टॉपिक्स के जितने भी क्वेश्चन मिल रहे हैं आप उनको लगा डालिए, ठीक है। कोई भी छोटे से छोटा क्वेश्चन है सबको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स प्रैक्टिस से भी आएगी, ठीक है भाई। तो आप इतना करिए, और अगला लेक्चर जो मेरा आएगा वो आएगा हर्मिशियन ऑपरेटर। अब आप पूछ रहे होंगे कि यार ऑपरेटर तो हमें पढ़ाया और उसमें हर्मिशियन ऑपरेटर क्यों नहीं बताया, नहीं भैया क्यों नहीं बताया, क्योंकि उसका भी कारण, क्योंकि जो हमारे जितने भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल हैं हमारे, ठीक है, उनके करेस्पॉन्डिंग जितने भी ऑपरेटर हैं, ठीक, वो क्या है, वो हर्मिशियन इन नेचर है। तो मतलब कि हम क्या करते हैं, हर्मिशियन ऑपरेटर पहले पढ़ते हैं, फिर हर्मिशियन मैट्रिक्स की पूरी प्रॉपर्टी उस ऑपरेटर में यूज कर देते हैं, जिससे हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिलती है, इसलिए हम हर्मिशियन ऑपरेटर अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हर्मिशियन ऑपरेटर पढ़ेंगे, फिर एवरेज वैल्यू निकालना सीखेंगे, फिर अनसर्टेनिटी कितनी है किसी भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल में उसको कैलकुलेट करना सीखेंगे, और ढेर सारी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं मैं ख़त्म करता हूँ, धन्यवाद।